मेक एजुकेशन इन स्टोर्स हम लोग ग्रामर में आज पहुँचे हैं। आज हम करेंगे जीरेंड और इन्फिनेटिव। और जीरेंड और इन्फिनेटिव बहुत है हमारे पास, ये एक अलहदा सी चीज़ें हैं, तो ये नॉन इन्फिनाइट वर्ब की टाइप्स, बट एज अ रेगुलरली हमें इनके अगर अलहदा से करें तो ये हमारे पास जो है वो इन्फिनेटिव और जीरेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरेंड को अगर हम देखें तो जीरेंड हमारे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें यही है, और एक ही इनका क्लू है जिससे आपको पता चल जाएगा ये जीरेंड है। जीरेंड में हमेशा आई एन जी यूज़ होगा, और आई एन जी किसके साथ यूज़ होगा, हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। यानी कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब अगर हमारे पास यूज़ हो रही है, जैसे हमारे पास प्ले है, फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है। अगर प्ले के आगे आई एन जी एड हुआ है तो इसका मतलब प्लेइंग हमारे पास अब क्या होगा, प्लेइंग हमारे पास होगा जीरेंड। तो हमारे पास जीरेंड क्या है कि आई एन जी हमारे पास यूज़ होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, और ये हमेशा एज अ नाउन एक्ट करता है, एक्ट एज अ नाउन। ठीक है, अब जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंगिंग इज वन ऑफ माई हॉबीज। तो यहाँ पे अब देखिए, हम देख रहे हैं कि सिंग हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, और आई एन जी हमारे पास जो हमने बोला था कि जीरेंड के साथ ऐड होगा हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, और ये पूरा एज अ नाउन एक्ट करेगा। तो यहाँ पे सिंगिंग होगा हमारे पास जीरेंड सेंटेंस में। यानी अगर आपको एक सेंटेंस दिया जाए और बोला जाए कि अंडरलाइन वर्ड इज, और आखिर में उसके आई एन जी यूज हो, तो वो वर्ड हमारे पास जो होगा वो जीरेंड होगा। एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आई enjoy cooking with my mom। ठीक है, अब यहाँ पे cooking use तो as a noun हो रहा है, but cook as comparatively cook हमारे पास जो है वो form of verb भी है। तो form of verb के साथ आप देख रहे हैं ing use हो रहा है, इसका मतलब इस sentence में cooking हमारे पास जो है वो gerund है। ठीक है, next अब हम चलते हैं infinitive की तरफ, इन्फिनेटिव। और ये काफ़ी जो है वो ग्रामर के ऑब्जेक्टिव में काफ़ी ये जीरेंड और इन्फिनेटिव पूछे जाते हैं, और है ये बहुत सिंपल। अब इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव में बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें हमारे पास ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, वर्ब होगी, और उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले हमारे पास एक प्रीपोजिशन यूज होगी, वो प्रीपोजिशन होगी हमारे पास। यानी कोई भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, अगर प्ले है या कोई भी है, तो उससे पहले हमारे पास टू लगा होगा, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है एज अ इन्फिनेटिव उस सेंटेंस में एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, जैसे इन्फिनेटिव की हम एग्जांपल ले लेते हैं, आई लाइक टू रन। अब रन हमारे पास क्या है, रन हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उससे पहले टू यूज हो गया, इसका मतलब टू रन यहाँ पे हमारे पास इस सेंटेंस में एज अ इन्फिनेटिव वर्ब कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, to fly an airplane is a dream of mine। और आपको बोला जाए कि अंडरलाइन वर्ड हो टू फ्लाई, तो ये अंडरलाइन वर्ड क्या है, आपने जैसे ही देखना है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले प्रीपोजिशन टू यूज हुई है, इसका मतलब ये है हमारे पास इन्फिनेटिव। तो ये हमारे पास सिंपल है जीरेंड और इन्फिनेटिव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हैं बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी। तो आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।